इरशादे बारी ताला है, जो तुम में से मोमिन हैं और जिनको इल्म दिया गया है उन्हें अल्लाह दर्जों में बुलंद करता है। हदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। महद से लहद तक इल्म हासिल करो, यानी माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेशक इल्म रहनुमाई करता है, हिदायत करता है और निजात देता है। जैसे जैसे इंसान का इल्म ज़्यादा होता है, इसका अदब बढ़ जाता है। इल्म के ज़रिए हिकमत को पहचाना जाता है। ज़िंदगी और हयाती अबदी इल्म के ज़रिए है। हर इंसान की कीमत वही है जो वह जानता है। पब्लिक सर्विस मैसेज, ज़िंदगी अजीम नियामत और अताए खुदावंदी है। कोरोना जैसी वबाई मर्जी अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के तहफ़ के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप मैंने पिछले दो लेक्चर्स में जो है वो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी थी फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में, और इसके बाद मैंने आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था। उसके सारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जितने स्टेप्स थे वो मैंने आपको एक तरतीब के साथ बताए थे, और मैंने ये आपको पढ़ाया था कि ग्रेजुअली हम इनके बारे में डिटेल्स के बारे में भी देखेंगे। उम्मीद है आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को तरतीब वाइज हम देखते हैं कि हम छोटे यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज यानी कि अरेंज खुद से किया, लेकिन इंसान ने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको फिर तरतीब के साथ कैसे स्टडी किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे छोटे यूनिट की तरफ, वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक पार्टिकल्स। मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ाने से पहले आपको एटम के बारे में बताऊंगी। आमतौर पर एटम को जितना मैंने आपको हर एक लफ्ज का मतलब बताया था, इसी तरह से मैं आपको पहले एटम के बारे में बता दूँ। एक का लफ्ज जो है उसका मतलब होता है विदाउट। ठीक है, इसका मतलब है नॉट, कांट। अब टमोज का मतलब आपको मैंने पहले नॉट में भी बताया था, टमोज का मतलब होता है टू कट। इसका मतलब क्या हुआ, इंडिविजिबल या फिर नॉट टू कट या वी कैन नॉट कट इट। आमतौर पर यह कॉन्सेप्ट देखा गया कि पहले ये कहा जाता था कि एटम, अभी भी डिफाइन करते हैं हम कि एटम जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में जो स्मॉलेस्ट या सिंपल जो भी चीज पाई जाती है उसे हम एटम कहते हैं। एटम का लफ्ज जो है वो चूंकि दो से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ये था कि इसको पहले डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फर्दर आपको पता है कि अब साइंस में ब्रेक थ्रूज हो गए हैं, हम हर चीज़ के अगर आप कहें ना कि बिल्कुल हम उसके अंदर घुस के हम देख चुके हैं कि क्या चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है, तो उसके बारे में ये पता चला कि जो एटम है ये अब छोटे पार्टिकल्स पे भी मुश्तमिल है। इन छोटे पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके नाम है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं जो पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि एटम क्या है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका सबसे जो छोटा सब्सटेंस है, जो भी पार्टिकल है उसे हम क्या कहते हैं, एटम। और एटम जो है वो छोटे पार्टिकल्स जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इस पे मुश्तमल होता है। अब हम स्विच ओवर करते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ, विच इज मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल इस नेचर में अगर आप गौर करें तो हर एक चीज अपनी स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ रही है। हर एक
चीज ये चाहती है कि वो एक मुतवाजन हालत में आ जाए। इसी तरह एटम क्या करते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो भी एक स्टेबलाइज्ड पार्टिकल बनाए। वो स्टेबल होने के लिए अपने जैसे एटम्स या फिर दूसरे एटम्स के साथ मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर आमतौर पे दो जो है, आमतौर पे जो हम इस वक्त बात करेंगे बॉन्डिंग की, वो दो तरह के बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स और दूसरे जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको समझाने के लिए मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट करें, एक एटम ऐसा है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है वो खुद खाली हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है जैसे आपके पास दो बुक्स हैं, आप अगर आप चाहें कि वो दूसरा भी आपके साथ जो आपका एक आपके हैं फ्रेंड बैठा हुआ है उसको आपकी जो है वो बुक की जरूरत है, अगर आप खुद से उसको बुक दे देंगे तो आप क्या करेंगे। इसी तरह अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को नहीं दे सकता तो फिर क्या किया जाता है, जाहिर शेयरिंग की जाती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो है वो बनते हैं। अब आते हैं कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है, मिसाल के तौर पे किसी की आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको एक चाहिए। इसी तरह से दूसरा जो है उसके पास एक ही है, अब ये तो नहीं ना कि वो 7 उठा के उसको दे देगा, बल्कि क्या करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास एक्स्ट्रा है वो दूसरे को दे देगा। इस तरह से जो बॉन्डिंग बनती है यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से, ठीक है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं और इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं हमें हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो नेचर है इसके अंदर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्डिंग से ये जो बेतहाशा जो है मॉलिक्यूल्स वो बने हुए हैं जिनसे सारे लिविंग नॉन लिविंग जो है वो चीज़ें जो है वो बनी हुई हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूलर वे की बेसिस पे हम इनको जो है वो फर्दर डिवाइड करते हैं। मसलन मॉलिक्यूल जो है इसको हम अगर कैटेगराइज करें तो हम इनको कहते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो का मतलब स्मॉल। दूसरे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब आमतौर पे जो माइक्रो के टर्म है हम माइक्रोस्कोपी के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर स्मॉल होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं बल्कि इनका मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर किया जाता है। मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट तो इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट ये डाल्टन्स में कंसिडर होता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के सिंपल एग्जांपल है जैसे कि कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन कंबाइन करें तो वाटर, ये भी एक माइक्रो मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज यानी हाई मॉलिक्यूलर वेट। आमतौर पर आपने डीएनए में सिंपलेस्ट एग्जांपल से शुरू करती हूँ, आपने डीएनए के बारे में सुना हुआ है। डीएनए क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह से आपने आरएनए का नाम सुना हुआ है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बेतहाशा एग्जांपल है, मैंने बताया कि डाल्टन्स में वेट कंसिडर होता है, उसके बेसिस पे फिर हम इनको माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड की यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में मॉलिक्यूल्स को हम कंसिडर करते हैं दो तरह से, मसलन हम कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंक हो गया है, ठीक है। जरूरी नहीं आप, मैं एक पहले सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप सबने मीथेन के बारे में सुना होगा, ठीक है। मीथेन जो है इसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद है, तो अब कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहाँ लिंक है,
लेकिन अगर आप देखें तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करती हूँ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है और साथ में ऑक्सीजन भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ आपको ऑक्सीजन भी मिल सकती है। सिमिलरली अगर आप प्रोटीन्स की बात करते हैं तो आपको उसमें नाइट्रोजन भी मिल सकती है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। सिमिलरली अगर आप मेम्ब्रेन्स की या फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो उसमें फॉस्फोरस भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन जो है वो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो कार्बन हमने कहा था कार्बन अलोंग विद हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो विच आर मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल देती हूँ। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में मैंने दो एग्जाम्पल दी थी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी मिसाल दी थी पानी की। अगर हम गौर करें तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन। आप कहेंगे कि यहाँ पे कार्बन मौजूद है और यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो कि दो तरह के आपको बताए, माइक्रो एंड मैक्रो, और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे आगे बात शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।